लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम ब्लास्ट के मामले में दूसरे आरोपी उबैदुर्रहमान को कल सजा सुनाई जाएगी। जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम न्यायाधीश बुधिराम यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए उबैदुर्रहमान को दोषी करार दिया है। बम विस्फोट के अभियुक्त उबैदुर्रहमान को माननीय न्यायालय द्वारा 302, 120, 307 में दोष सिद्ध किया गया। 14 फॉरेन एक्ट में भी दोष सिद्ध किया गया। 3/4 विस्फोटक एक्ट में भी दोष सिद्ध किया गया है। सेंटेंस की मात्रा पर कल 31/8 को फैसला सुनाया जाएगा। कल सजा के बिंदु पर माननीय न्यायालय ने जेल से तलब किया है अभियुक्त को। कल आज दोषी करार दिए गए हैं विभिन्न धाराओं में। और जो अभियुक्त के बाहर जेल बंद है उनकी सुनवाई के लिए 20 सितंबर तिथि नियत है। थाना शाहबाद पुलिस को आज एक अहम कामयाबी मिली। गश्त के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये चारों लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनको रोका तो इन चारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने चारों को धर दबोचा और जेल भेजने की तैयारी कर दी है। जनपद रामपुर की थाना शाहबाद पुलिस ने कल पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाशों के गिरोह को पकड़ा है। ये चारों लोग गांव भगवतीपुर तिराहे के पास एक जंगल के वहां किनारे पे बैठे हुए थे। पुलिस टीम जब उधर से चेकिंग करते हुए गुजर रही थी तो इनको टोकने पर इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने भी घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार कर लिया है। चारों पकड़े गए युवकों का नाम है अहमद उर्फ मियाँ, दूसरा है निसार पुत्र अहमद, तीसरा कुंवरपाल पुत्र रामप्रसाद, चौथा है डॉक्टर नेपाल पुत्र सोहनलाल। ये चारों में से 2 थाना शहबाद के रहने वाले हैं जनपद रामपुर और 2 जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। चारों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, इसके अलावा 1 तमंचा 12 बोर का जिसके 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है, 1 चाकू भी बरामद हुआ है। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये चारों वहां बैठकर कोई घटना को अंजाम देने की योजना मत के इनमें से जो अहमद उर्फ मियां है पुत्र मोहम्मद हसन, ये जनपद बदायूं से भी आर्म्स एक्ट में पहले जेल जा चुका है, बना रहे थे। पुलिस टीम की सक्रियता की वजह से ये लोग पकड़े गए। पैसों की खातिर अपने ही मित्र को बैल से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना कोतवाली शाहबाद का है जहां 27 अगस्त को हुए अपहरण और हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों द्वारा अपहरण और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों युवकों ने अपने मित्र साथी को फोन पर बुलाया जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उसे अपहरण कर फिरौती की मांग की। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो अपहरणकर्ताओं ने किशोर की बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। सर्विलांस की मदद से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमें से 1 फरार है। पकड़े गए दोनों युवकों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया।
इसमें दिनांक 27 अगस्त को एक लड़के का अपहरण हुआ। सूचना स्थान पर 4:30 बजे के करीब है कि घर वालों के मोबाइल पे 358 पे, जब घर वालों ने ही मोबाइल पे उसको कॉल किया, लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, 3:58 पर जब उन्होंने कॉल फिर से पुनः कॉल किया तो फ़ोन खुला था, और जब उन्होंने बात किया तो किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि उनका लड़का बहुत दूर जा चुका है और 3 लाख रुपये का इंतजाम कर लें तो लड़का वापस लौट आएगा। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी अभियोग दर्ज करके जांच शुरू की। जांच के मध्य ये पता लगा कि इन्हीं के घर के पीछे रहने वाला एक लड़का निसार, इसी का पूरा मास्टरमाइंड था इस घटना को करने में, और इसने अपहरण पैसे की फिरौती के लिए ही किया था। साथ में इसके दो साथी जो लोनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहाँ पर ये बाघ किराए पर लेकर के वहाँ पर रहता था और काम करता था, बाघों का ये किराए पर काम करता था, वहाँ के दो लड़के शामिल थे। निसार की निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की गई और साथ में इसका एक साथी रामजीवन पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पर वो मोबाइल फ़ोन जिस जो उस मृतक लड़के का था निज़ाम का, वो भी बरामद कर लिया गया है। अभी एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तारी ले गई है, संभवतः सोसाइटी उसी के घर में अभी वो फरार चल रहा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक शिक्षक का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया। जहां अच्छी शिक्षा के लिए परिजन अपने बच्चों को गुरु के पास भेजते हैं, अगर वही गुरु भक्षक बन जाए तो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। मामला थाना कोतवाली पिहानी का है, जहां एक शिक्षक ने अपने ही 13 वर्षीय छात्र के साथ 2 साल से अपकार्तिक संबंध बनाए हुए थे। अपने गुरु के इस दुष्कर्म से परेशान होकर पीड़ित छात्र ने अपने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करते ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। हम पिहानी कस्बा से आए हुए हैं, सेंट जेवियर्स में हमारा बच्चा पढ़ रहा था और 5 साल से इंद्रेश वाजपेयी उधरनपुर निवासी हैं, डाकखाना पीछे पियानी में रहते हैं, उनके पास ट्यूशन पढ़ रहा था। उसने इसको डरवाकर धमकाकर और इसके साथ कुकर्म करना चालू किया। बच्चा हमसे काफ़ी डरता था तो घर में इसने बताया नहीं, कि उसने कहा कि हम तुम्हारे घर में बताएंगे झूठ साथ कि तुम पुड़िया खाते हो, सिगरेट पीते हो। ये सब चीज़ से इसने इसको ब्लैकमेल किया और रोज़ आए दिन गंदी हरकतें इसके संग पूरी करता रहा है। तब एक दिन इसने लास्ट में जाकर उसने थप्पड़ मार दिया और काफ़ी इसके साथ करने कोशिश की, तो उसने कहा कि हम घर में बताएंगे, तो उसने बहुत डरवाया धमकाया, एक बस्ता फेंक के भाग आया और मम्मी को रो रो के बताया कि हम वहाँ नहीं पढ़ने जाएंगे, वो कमीना मास्टर है, बदतमीज है। तो मम्मी ने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो सब पूरी इसने स्टोरी सब बताई। अच्छा, थाने गए थे, क्या हुआ? थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया और दरोगा जी ने सब पूछताछ बच्चे से की और हमसे सब जानकारी ली। थाना शाहबाद के हनुमान मंदिर पुलिया पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग के दौरान गांव घोरियाई निवासी मुकेश की मोटरसाइकिल को पुलिस ने रोका और उसकी चेकिंग की, जिसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी में 8 पौवे देशी शराब के बरामद हुए और मोटरसाइकिल के कागज मांगने पर वो मोटरसाइकिल के कागज भी नहीं दिखा पाया। वहीं मुकेश की तलाशी के दौरान जींस की पैंट से 315 बोर का अवैध तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए। बहरहाल थाना शाहबाद पुलिस ने आरोपी मुकेश पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और उसकी मोटरसाइकिल भी सीज करा दी है। थाना शाहबाद से ही कल शाम ट्रैफिक का जो चेकिंग अभियान चल रहा है, उसमें चेकिंग के दौरान एक युवक को अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए युवक का नाम है मुकेश पुत्र हरपाल सिंह यादव, ये गांव ग्राम धुरियाई का रहने वाला है और इसकी पैंट की जेब से एक तमंचा 315 बोर का और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा शराब के 8 पौवे देसी और एक अंग्रेजी शराब का क्वार्टर भी बरामद हुआ है। इसको भी पुलिस टीम ने अरेस्ट करके वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना शाहबाद की पुलिस टीम की इस सजग कार्रवाई के लिए उनको 2,500 रुपये के इनाम से पुरस्कृत।
विचित्र बुखार छोटे छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों तक काल के गाल में खींच रहा है, तो वहीं प्रशासन को लगता है सांप सूंघ गया है। लगातार हो रही मौतों पर भी प्रशासन की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य प्रशासन की ओर से दी जाने वाली सारी सुविधाएं जिले में धूल चाट रही हैं। विचित्र बुखार से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लोनार थाना क्षेत्र के बरसुइया ग्राम के निवासी हैं, जहां एक विचित्र तरीके का बुखार फैला हुआ है। बच्चों में संक्रमण हो गया है, एक बच्ची की मौत भी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं आई है, ना कोई अस्पताल से कोई कर्मचारी आए हैं, किसी प्रकार का कोई मदद नहीं हुआ है। लगभग कितने लोग बीमार होंगे गाँव में? गाँव में अब हमने तादाद तो नहीं गिनी है, लेकिन 10-20 आदमियों की तो बात हमें मालूम हुई है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060001 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।